हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं ही बिल्कुल मस्त हूँ। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आज है मेरी थर्ड एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेशन क्या क्या होगा वो तो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा मार्केट से सामान लेना है मंदिर के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी है कुर्ती और नीचे से इसमें लहंगा टाइप का घाघरा सा है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हाय। कृष्णा को देखिए कितनी जल्दी भाग रहा है। और अभी जाके नीचे जाके क्या करेगा दिखाती हूँ। ये देखो, वहाँ जाके स्कूटी में बैठ गया है। तो मार्केट से हम आ गए हैं। मंदिर के लिए थोड़ा सामान लाना था, मिठाई फल ये सब चीज़ें लानी थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं, मंदिर पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग करते हैं दर्शन। पहले हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ मंदिर। और कृष्णा यहाँ पे देखो भगवान को हाथ जोड़ रहा है। अभी हमारी पूजा भी हो गई, मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। कृष्णा ने हमें जल चढ़ाते हुए देखा है, तो देखना ये क्या कर रहा है। ये देखो अभी कृष्णा के पापा घिस रहे हैं चंदन लगाने के लिए। तो अभी आ गए हम लोग मंदिर से। तो इसने देखो पूरा टीका फैला दिया है अपना। हम पहुंच गए थे घर। तो घर पहुंचने के बाद मैंने बनाया खाना, और अभी मैं रख के आई हूँ चावल गैस पे। और इनके सर की कर रही हूँ मैं मसाज, तो ऑयलिंग इन्होंने बोला ऑयलिंग कर दे थोड़ी सी सर पे। तो अब हम खा रहे हैं खाना। तो चावल छोले और है मिर्च का अचार, और कृष्णा खाना भी रखा है। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारी तैयारियां हो रही हैं सजाने की रूम को। तो बस यही देखो हम लोग सेटिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या लगाएं। और कृष्णा खेल रहा है बाहर, क्योंकि अगर अभी कृष्णा अंदर आया तो वो सारे बलून भी फोड़ देगा और ये सब झालर वगैरह सब निकाल देगा। अभी इसीलिए वो बाहर खेल रहा है। तो फाइनली हमारा डेकोरेशन पूरा हो गया है। ये है फाइनल लुक। और कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। आज हमारी शादी को हो गए हैं 3 साल कंप्लीट। और मुझे केक बहुत सुंदर लगा, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर था, कलर बहुत सुंदर था, मुझे तो बहुत मस्त लगा। हमारी मस्ती हो गई है शुरू। लाइफ में ना मस्त मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो लाइफ कैसे कटती है पता नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया और भाभी इतने अच्छे सरप्राइज के लिए। भैया ना ड्यूटी से ही आए हैं, और ड्यूटी से आते ही वो हम लोगों के लिए ना केक लेने गए थे बाहर। ये देखो ये लेके आए हैं भैया हम लोगों के लिए केक। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा गिफ्ट था। इतना बिजी होने के बाद भी वो हम लोगों के लिए सरप्राइज लेके आए। ये हैप्पी एनिवर्सरी। आप फोटो खींच लो, आओ देखो। हां खाने में बनाया है मिक्स वेज मटर पनीर की सब्जी, और इधर बनाई है पूरी, क्योंकि भैया लोग खा के पहले चले गए थे। अभी भैया लोगों के साथ हम लोग बाद में खाएंगे। तो कुछ पूरी बना के रखी है, कुछ और बनाऊंगी। और कृष्णा खेल रहा है बाबू के साथ। अभी खेल कर रहा है, उसके साथ फाइट कर रहा है। उसको आदत पड़ी, पता है उसको आदत पड़ी है। ये खाना खा लिए बाबू। कृष्णा दीदी के साथ खेल रहा है बैट बॉल, और इधर भाभी लोग खाना खा रहे हैं। ये भी यहीं पे खाना खा रहे हैं। मैं खाऊंगी बाद में खाना, क्योंकि मैं अभी पूरी बना रही हूँ और किचन में चल रहा है मेरा काम। मैं फटाफट पूरियाँ बेल रही हूँ, और बीच बीच में मुझे जाना भी है पूरी देने के लिए। तो गरम गरम बना रही हूँ, गरम गरम फटाफट उनको दे के भी आ रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमारी पार्टी भी बहुत अच्छी हुई। हमें तो पता भी नहीं था कि भैया आ रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए। तो सबके साथ बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी पार्टी हुई, बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़।
थैंक यू सो मच सभी लोगों का, और अब खा लिया सभी लोगों ने, और अब मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, अभी मैं काम से निपटी हूँ तो अब फटाफट खाना खाती हूँ। और खाना सच में बहुत टेस्टी था, सभी लोगों ने बोला और जब मैंने भी खाया तो बहुत अच्छा लगा, खाना टेस्टी था बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू चाची, थैंक यू वाओ। तो फ्रेंड्स फाइनली एनिवर्सरी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया सारे दोस्तों के साथ, और गिफ्ट के लिए सभी का थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, अब आराम करते हैं, हम लोग बहुत थक गए हैं। बाय।